हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग या वीडियो, कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली आप लोग टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आप इस वीडियो में आज क्या सीखने वाले हो। तो हाँ, आज सिखाने वाला हूँ आपको बैक फ्लिप। तो मैं बहुत सारा एक्सरसाइज, हज़ारों एक्सरसाइज बता दिया, ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा, मात्र चार एक्सरसाइज बताऊँगा जिसको आप अच्छे से करोगे। आई गारंटी कि आप अगर चार एक्सरसाइज अच्छे से करें तो आप सीख जाओगे, ठीक है। इसमें आपका दोस्त रहे, आपका अगर जो कोई दोस्त है आपको साथ देने के लिए तैयार है तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो बिना रिस्क के। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, रिस्क है तो इस्क है। वो स्कैम 1992 देखा था आपने, हर्षद मेहता स्कैम, हाँ। तो उसमें खैर टॉपिक पे आते हैं, तो चार एक्सरसाइज बताऊँगा बहुत ही आसानी से, और बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सकते हो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करोगे तो। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एंड बैक फ्लिप सीख। सबसे पहला एक्सरसाइज की ओर, जो बहुत कुछ खास नहीं है, बस आपको सबसे पहले मैं बोलूँगा, हर वीडियो की तरह, हर बार की तरह, हर एक्सरसाइज करने से पहले, हर स्टंट करने से पहले मैं ये बोलता हूँ कि वार्म अप कर लो यार। तो उसके लिए दौड़ लो थोड़ा या फिर उछल लो। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज आपका ये है कि आप सबसे पहले तो इस पोज में खड़े हो जाओ, देन आपको हाथ को इस पोज में लेना है, उसके बाद आपको केवल पैर को नहीं उठाना है, केवल अपना बॉडी को उठाना है जितना हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो ऐसे करो, तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज है, दो चार बार और करता हूँ। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब चलेंगे हम लोग दूसरा एक्सरसाइज की ओर, जो ये है। तो दूसरा एक्सरसाइज आपका ये है, आप ऐसे कर सकते हो, बस उसी वही पोज में रहना है। आपको करना केवल ये है कि जब आप ऊपर जाते थे उस वक्त को चेस्ट को यहाँ टच करना है और हाथ से यहाँ पर नी को टच करना है, इस प्रकार। देखिए ऐसे करोगे आप, ऐसे जाओगे ऊपर, देखो ये आपको चेस्ट में टच करना है, देन हाथ को जो है नी में टच करना है, ऐसे। ये आपका दूसरा एक्सरसाइज है, और मैं दो चार बार करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी दो चार ही बार करो, आपको प्रैक्टिस करना है तब आप सीख पाओगे अच्छी तरह से। मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ कि टाइम बचे, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मैं नहीं करूँगा, आपको बस दिखाऊँगा और आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। आपका दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, चलते हैं तीसरा एक्सरसाइज की ओर। तो तीसरा नंबर के एक्सरसाइज में आपको ये करना है, सबसे पहले बॉडी को समझाओ, इसको स्ट्रक्चर दो, मतलब बॉडी को समझाओ कि क्या आप रोल करने वाले हो। आप जब जंप लेकर ऊपर जाओगे उस टाइम रोल करोगे आप, तो बॉडी को समझाने के लिए सबसे पहले नीचे में रोल करो इस प्रकार से, ये कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये नी को पकड़ के आपको ये करना है, तो आपका बॉडी है समझ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मतलब ढल जाएगा, उस अनुकूल होता है ना, अनुकूलित हो जाता है, तो एक्सेप्ट कर लेगा आपका बॉडी ऐसे रोल करना, तो आपको ऊपर में रोल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलेंगे आप चौथा एक्सरसाइज की ओर, और बहुत ही आसान। तो चार नंबर के एक्सरसाइज में आपको ये है, इसमें थोड़ा रिस्क है, ध्यान से सुनना, फोकस के साथ सुनना। करना क्या होगा, अगर आपका दोस्त है कोई, आपका कोई दोस्त है, सहपाठी है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो, या फिर कोई आपका दोस्त मेंटोर भी हो। वैसे मैं सिखा दूंगा यहाँ पे आपको करना कैसे, वो बता दूंगा, वैसे ऐसे भी समझा सकता हूँ मैं, दोस्त ना भी रहे तो कर सकते हो, बस थोड़ा आपके पास करेज होगा तो आप कर पाओगे, थोड़ा सा डर लगता है इसमें, रिस्क है थोड़ा। तो सब चौथा नंबर के एक्सरसाइज में आपको यही करना होगा कि सबसे पहले सीखते वक्त आप ऊंचाई ढूंढो। अभी मैं यहाँ पे आपको साइड में एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ, वो मेरा सीखते वक्त का है, जब मैं लर्निंग पीरियड में था, जब मैं सीख रहा था उस वक्त का था, तो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे। आपको करना क्या है, ऊंचाई ढूंढना, ठीक है। तो ऊंचाई ऐसा नहीं कि मेरे पास तो है ऊंचाई यहाँ तो चलेगा, लेकिन आपके पास नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हो पता है, बोरा जो होती है ना उसमें बालू भर सकते हो या मिट्टी भर सकते हो, उसके बाद ऊंचाई आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जंप के साथ रोल करने के साथ साथ सारा चीज़ें कर सकते हो। इसमें दोस्त आपका कहाँ हेल्प कर सकता है, आपका दोस्त जैसे कि मान लो यहाँ पे है, आप जब इस पर जंप करोगे और रोल करने के साथ जो बॉडी सब इंक्लूड करेगा, जितना एक्सरसाइज में बताया उसको इंक्लूड करेंगे, तो आपको ये सब निखर के आएगा। उसमें करेगा आपको दोस्त क्या, आप जब इस प्रकार करोगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देगा, वो सपोर्ट देगा और ऐसे करके थोड़ा सा सपोर्ट देगा, आप वहाँ पे चल जाओगे। जैसे कि ऐसे करके मैं दिखाता हूँ फर्स्ट टाइम में आपको कैसे लगेगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा, आप करेज के साथ सपोर्ट के साथ, ठीक है। शुरुआती दौर में आप ऐसे गिर भी सकते हो, बट कोई नहीं, आपको सीखना है तो धीरे धीरे आप सीखोगे। Let's see freaking
and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pom pom pom. Ghostly figures, they can get so bitter. Show you want to enter, you can turn back. You don't know. Hope guys, कि आप लोगों ने अच्छा सा सीखा होगा. काफ़ी मेहनत से मैंने सिखाया. दो चार एक्सरसाइज बताया आपको, जो कि आसानी से करने का था. आपको दोस्त मिले तो आप दोस्त का सपोर्ट लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत जल्दी आप सीख सकते हो और बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, बहुत कम रिस्क के साथ. ठीक है, तो ये था मेरा कुछ एक्सरसाइज. आपको पसंद आया तो यार सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल को, और लाइक कर दो इस वीडियो को. और हाँ, सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि मैं कल या परसों जाने वाला हूँ एक वाटरफॉल घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छे लगेंगे उस वाटरफॉल का वीडियो. तो आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो. जहाँ मैंने वीडियो शूट किया वहाँ का लोकेशन देख लो आप, कैसा लगा. खैर, लोकेशन से कोई मतलब नहीं, आपको मैं वीडियो डिलीवर कर पाया, मुझे बहुत खुशी है. और आप लोग में कुछ भी लोग सीख जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी. तो ठीक है, कमेंट करना आप, कमेंट मेरा और आपका है. कमेंट करो यार, मिलते हैं कमेंट में. ठीक है, सबका रिप्लाई करूँगा मैं. तो चलिए मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.